दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और आई होप आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा और साथ ही साथ आप लोग अपना बिहार बोर्ड के जो टॉपर है उनका भी लिस्ट आप लोगों ने देख लिया है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को मैंने अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को टॉपर लिस्ट का पीडीएफ भेज दिया है जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली चेक कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस अपडेट में आप लोगों को बताएंगे कि जिन छात्रों एवं छात्राओं का मार्क्सशीट में उनका मार्क्स कम आया है, जो उन्होंने लिखा था उनके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आया है, यानी कि वैसे छात्र एवं छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट से असंतुष्ट है कि उनके सब्जेक्ट में उनके लिखने के अकॉर्डिंग यानी कि उन्होंने जो लिखा था उसके अनुसार उनका मार्क्स नहीं आया है, तो ऐसे छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अब सरकार आप लोगों को दो मौका देती है। पहला आप लोगों को मौका यह देती है कि आप लोग स्क्रूटनी करवा सकते हैं, यानी कि स्क्रूटनी को बोले तो रीटोटलिंग करवा सकते हैं। दूसरा आप लोग कंपार्टमेंटल दे सकते हैं। तो सब इस वाले वीडियो में आप लोग को बताएंगे स्क्रूटनी से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट वाले में आप लोगों को कौन से छात्र एवं छात्राएं स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरेंगे, कौन से नहीं, ठीक है, उसके लिए आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और आप लोग स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरेंगे उसके पूरी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस वाले मार्कशीट में, तो आप लोग देखिए इसमें आप लोगों को लग रहा है, देखिए इनका जो मार्क्स है हिंदी में इनका 33 नंबर आया, ठीक है। तो इनको लगता है कि मैं अपना मार्क्स बढ़ा सकता हूं, तो ऐसे छात्र एवं छात्राएं क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोग का सेकंड डिवीज़न, आप सेकंड से फर्स्ट भी आ सकता है, अगर जो भी सब्जेक्ट में आप लोग का स्क्रूटनी करवाना है आप लोग करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोग कब से अप्लाई होना है उसकी पूरी डिटेल्स यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिले। तो आप लोग समझ लिए होंगे कौन से छात्र एवं छात्राएँ स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे, वैसे छात्र एवं छात्राएँ जो अपना मार्क्स से असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, या वे हताश है कि जो मैंने लिखा था वह मार्क्स मुझे नहीं दिया गया है और मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए, वैसे छात्र ऐसे छात्र एवं छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रूबरू करा देते हैं, उसमें आप लोग को बता देंगे कब से आप लोग अप्लाई करेंगे और जिस दिन लिंक एक्टिवेट होगा उसका फॉर्म भी भर के आप लोग को मैं बता दूँ। दोस्तों जैसा मैंने आप लोग बताया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आप लोग चेक भी कर लिया होगा और बहुत सारे छात्र एवं छात्रा अपने मार्क्स से संतुष्ट है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको उत्तर पुस्तिका को आप लोगों को फिर से चेक करवाने यानी कि रीटोटलिंग यानी कि उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी कराने के लिए आप लोगों को फॉर्म डेट क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के उत्तर पुस्तिकाओं को स्क्रूटनी के लिए तिथि क्या कर दिया गया है, आप लोग आज निर्धारित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल आप लोगों को जारी किया गया है जिसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, और यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी छात्र एवं छात्राएं किसी एक विषय या किसी भी विषय में प्राप्त अंक से क्या है संतुष्ट नहीं यानी कि असंतुष्ट है, उनके लिए समिति द्वारा स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो स्क्रूटनी के लिए आप लोग कब से अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी देते हैं। तीसरा नंबर बोला गया है कि ऐसे छात्र एवं छात्राएं उन अपने विषय के उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए आवेदन है तो कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग 3 अप्रैल से क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और यह डेट आप लोग लास्ट डेट कब तक हो जाएगा, 9 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में आप लोगों को विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी गई है। तो चलिए आई होप आप लोग समझ लिए होंगे, जैसे ही आप लोगों का 3 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आप लोगों को फॉर्म भर के बता दूंगा, जैसे इंटरमीडिएट में मैंने फॉर्म भर के बताया था वैसे मैट्रिक का भी मैं आप लोगों को फॉर्म भर के बता दूंगा। तो चलिए यही थे आप लोगों के लिए अपडेट, अब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।